हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मार्च 2022 के बेस्ट 100 प्लस करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर GIT हब की मूल कंपनी कौन सी है जो हाल ही में खबरों में रही थी? आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर GIT हब की मूल कंपनी कौन सी है जो हाल ही में खबरों में रही थी? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 22 उपग्रह रखने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? चीन ने। किस देश ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 22 उपग्रह रखने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया? आंसर होगा चाइना ने। चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में 22 उपग्रहों को रखने के लिए एक लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट लॉन्च किया, जिसने एक ही रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए सबसे अधिक अंतरिक्ष यान का घरेलू रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 22 उपग्रह रखने के लिए एक रॉकेट किसने लॉन्च किया? चाइना ने। उस रॉकेट का नाम क्या था? लॉन्ग मार्च 8। और इसके अलावा क्या याद रखना है, जहाँ भी आपको लॉन्ग मार्च दिख जाए ना, वो कौन से देश का रॉकेट होगा? चाइना का। जैसे लॉन्ग मार्च 5 भी चाइना का रॉकेट है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? आंसर क्या होगा? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट आते हैं, स्विफ्ट वित्तीय संदेश सेवा में एस का क्या अर्थ है? आंसर क्या होगा? सोसाइटी। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आपको यहाँ से याद क्या रखना है, एस तो याद रखना ही है, एस किसके लिए स्टैंड करता है? सोसाइटी के लिए। डब्ल्यू किसके लिए? वर्ल्ड वाइड के लिए। आई किसके लिए? इंटर बैंक के लिए। एफ किसके लिए? फाइनेंशियल के लिए। और टी किसके लिए स्टैंड करता है? टेली कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन किस देश की एक पहल है? आंसर क्या होगा? USA की। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन किस देश की एक पहल है? तो आंसर होगा अमेरिका का। नेक्स्ट आते हैं, मृत्यु के मामले में हीट एंड रन पीड़ितों के परिजनों को संशोधित मुआवजा क्या है? आंसर होगा 2 लाख रुपए। मृत्यु के मामले में हीट एंड रन पीड़ितों के परिजनों को संशोधित मुआवजा क्या है? 2 लाख रुपए। योजना के अनुसार हीट एंड रन पीड़ितों के परिजनों को 1 अप्रैल 2022 से 25,000 से मृत्यु के मामले में मुआवजे को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। हीट एंड रन मामले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था, मैं पहले डेथ पे कितना मिलता था? 25,000। अब कितना मिलेगा? 2 लाख। पहले जो गंभीर रूप से घायल होते थे उन्हें मुआवजा मिलता था 12,500, अब कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कौन सा है? कहाँ पर है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? सेबी। माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सेबी। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर ईलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? आंसर होगा चीन में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर नाम क्या है? ईलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? आंसर होगा चाइना में। भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डिमोंस्ट्रेशन आयोजित किया? आंसर होगा विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डिमोंस्ट्रेशन आयोजित किया? आंसर होगा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आते हैं,
राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय की। राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? आंसर क्या होगा? भविष्यो रक्षति रक्षित। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, शॉर्ट में बोलते हैं एनसीपीसीआर, का नया मोटो या आदर्श वाक्य क्या है? भविष्यो रक्षति रक्षित। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से पहले का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? INS विशाखापत्तनम। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से पहले का नाम क्या है? आंसर होगा INS विशाखापत्तनम। खबरों में रहा बेरेंट्स सी किन दो देशों के तटों पर स्थित है? आंसर होगा रूस और नॉर्वे। बेरेंट्स सी किन दो देशों के बीच तटों पर स्थित है? तो आंसर होगा रूस और नॉर्वे। किस संस्थान ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया? आंसर होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। किस संस्थान ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया? आंसर होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। नेक्स्ट आते हैं, यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है? आंसर होगा 4। यूक्रेन 4 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया। यूक्रेन 4 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी? आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय परिवार और समाज में जेंडर भूमिकाओं को कैसे देखते हैं किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट है? आंसर क्या होगा? प्यू रिसर्च सेंटर। भारतीय परिवार और समाज में जेंडर भूमिकाओं को कैसे देखते हैं किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट है? आंसर होगा प्यू रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर क्या होगा? 2008 में। क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 2008 में। IIT रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। IIT रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225, जिसका उपनाम मरिया है, इसका स्वामित्व किस देश के पास था? तो यूक्रेन के पास। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन की मेजबानी की? आंसर होगा लद्दाख ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो आंसर होगा लद्दाख ने। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक प्रमुख परियोजना है? तो आंसर क्या होगा? नासा का। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक प्रमुख परियोजना है? तो आंसर होगा नासा।
थेयम या कलियाट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठान नृत्य है? आंसर क्या होगा? केरल। थेयम या कलियाट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठान नृत्य है? तो आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट आते हैं, जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा पीएम बीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करें। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पीएम बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? आंसर क्या होगा? पर्यटन मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? तो आंसर क्या होगा? पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? यूक्रेन में। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा यूक्रेन में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में YouTube निर्माता प्रणाली का क्या योगदान है? आंसर क्या होगा? 6800 करोड़ रुपए का। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में YouTube निर्माता प्रणाली का क्या योगदान है? तो आंसर क्या होगा? 6800 करोड़। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर के मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया? मार्च 2022 की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? पुणे में। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया? आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो आंसर होगा गृह मंत्रालय। WII की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य में बाघों का घनत्व उसकी वहन क्षमता से अधिक है? तो आंसर होगा सुंदरवन। WII की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य में बाघों का घनत्व उसकी वहन क्षमता से अधिक है? तो आंसर होगा सुंदरवन में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी करेंट भारत में बाघ अभयारण्य की संख्या कितनी है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस ई बुक लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस ई बुक लॉन्च किया? तो आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, अस्थाई सुरक्षा निर्देश किस देश या संघ से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? यूरोपीय संघ से। अस्थाई सुरक्षा निर्देश किस देश या संघ से संबंधित है? तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ से। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद में। ऑगमेंटेड रियलिटी पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नैप इंक के साथ किस भारतीय संस्थान ने भागीदारी की है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। ऑगमेंटेड रियलिटी पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नैप इंक के साथ किस भारतीय संस्थान ने भागीदारी की है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है?
तो आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने हाल ही में किस देश की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है, तो आंसर क्या होगा, रसिया को। क्यों किया है, तो रसिया ने यूक्रेन में जो हमला किया था। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने हाल ही में किस देश की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है, तो आंसर होगा रसिया को। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है, तो आंसर होगा जामनगर में। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है, तो आंसर होगा जामनगर में। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है, तो आंसर होगा कवच। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है, तो आंसर होगा कवच। भारत का संविधान का अनुच्छेद 176 वन किससे संबंधित है, तो आंसर होगा राज्य के दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 वन किससे संबंधित है, तो आंसर होगा राज्य के दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण। दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या होगा, जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जस्टिस DN पटेल। नेक्स्ट आते हैं स्लाइनेक्स, भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो आंसर क्या होगा, श्रीलंका। SL किसके लिए स्टैंड करते हैं, श्रीलंका के लिए, आई इंडिया के लिए। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का स्थल कौन सा है, तो आंसर होगा बेंगलुरु। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का स्थल कौन सा है, तो आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है मार्च 2022 में, तो आंसर क्या होगा, उत्तर कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है, तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है, आंसर होगा नई दिल्ली ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो आंसर क्या होगा, नई दिल्ली ने। झरोखा जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है, तो आंसर क्या होगा, कला और संस्कृति से। झरोखा जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है, तो आंसर होगा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से। खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है, तो आंसर होगा एग्रीकल्चर या कृषि से। खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है, तो आंसर होगा कृषि से। कड़ेवा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर घाटी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को कड़ेवा कहा जाता है। कड़ेवा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर। MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या होगा, महिला उद्यमिता। MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, तो महिला उद्यमिता। नेक्स्ट आते हैं, 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, USA। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई UPI 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है, तो आंसर क्या होगा, फीचर फोन उपयोगकर्ता। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई
UPI 123 पे सुविधा के लाभार्थी कौन है, मतलब कौन इस UPI का फायदा उठा सकता है UPI 123 पे का, तो आंसर क्या होगा, फीचर फोन उपयोगकर्ता। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए UPI लॉन्च किया, नाम क्या है, UPI 123 पे, जिसे UPI 123 पे कहा जाता है। उन्होंने डीजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू की। तो यहाँ से आपको दो चीज़ याद रखना है, सबसे पहले UPI 123 पे किसने शुरू की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, तो फीचर फोन उपयोगकर्ता। और इसके साथ ही RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने डीजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू किया। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश और नेपाल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, परम गंगा क्या है, जो हाल ही में खबरों में रही, तो परम गंगा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले परम गंगा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। किसने डेवलप किया है, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने, और इसे कहाँ पे रखा गया है, तो IIT रुड़की में। नेक्स्ट आते हैं, पाल दादव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में किया गया था, तो आंसर होगा गुजरात में। पाल दादव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में किया गया था, तो आंसर क्या होगा, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ ने। किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, तो आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का थीम क्या है या विषय क्या है, तो आंसर क्या होगा, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं, UDISC प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, शिक्षा से या एजुकेशन से। UDISC प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर होगा एजुकेशन या शिक्षा से। किस संस्थान ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया, आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किस संस्थान ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो आंसर क्या होगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। MSME इंक्यूबेशन डिजाइन और IPR योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, MSME इनोवेटिव स्कीम। MSME इंक्यूबेशन डिजाइन और IPR योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, MSME इनोवेटिव स्कीम। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन से, अंग प्रत्यारोपण से। हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर होगा अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन से। वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान किस उत्पाद का है, तो क्रूड पेट्रोलियम का है, कच्चा पेट्रोलियम का। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो आंसर क्या होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो आंसर क्या होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और PLI का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। नेक्स्ट आते हैं,
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करने योजना लागू करता है? सही आंसर क्या होगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना लागू करता है? तो आंसर क्या होगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं पंट्रेथन मंदिर, जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। पंट्रेथन मंदिर जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। बिजली मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का नाम क्या है? आंसर क्या होगा? पावर फाउंडेशन। बिजली मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का नाम क्या है? पावर फाउंडेशन। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट आते हैं मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर क्या होगा? पांचवा। मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो पांचवें स्थान पे है। हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। खेल महाकुंभ किस भारतीय राज्य में आयोजित एक खेल आयोजन है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात में। खेल महाकुंभ किस भारतीय राज्य में आयोजित एक खेल आयोजन है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया? आंसर क्या होगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया? आंसर होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। खबरों में रहा भविष्य का संग्रहालय द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। हलारी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी गधे की नस्ल है? आंसर क्या होगा? गुजरात। हलारी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी गधे की नस्ल है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। किस भारतीय राज्य ने अपने वार्षिक बजट के एक भाग के रूप में चार आईटी कॉरिडोर की घोषणा की? तो आंसर क्या होगा? केरल ने। किस भारतीय राज्य ने अपने वार्षिक बजट के एक भाग के रूप में चार आईटी कॉरिडोर की घोषणा की? तो आंसर क्या होगा? केरल ने। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली ने। किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक ने। नेक्स्ट आते हैं किस भारतीय बैंक को आईएफआर एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक को। किस भारतीय बैंक को आईएफआर एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक को। फीफा विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर क्या होगा? कतर। फीफा विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? कतर। नेक्स्ट आते हैं नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर क्या होगा, 14 मार्च को। नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 14 मार्च को। किस ग्लोबल एसोसिएशन ने दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया, तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपीय संघ ने। किस ग्लोबल एसोसिएशन ने दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया, तो आंसर होगा यूरोपीय संघ ने। किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ा गया है, तो आंसर होगा यूक्रेन ने, यूक्रेन को। किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CESA से जोड़ा गया है, तो आंसर क्या होगा, यूक्रेन। सहारा के रेड ऑरेंज डस्ट स्टॉर्म से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो आंसर होगा स्पेन। सहारा के रेड ऑरेंज डस्ट स्टॉर्म से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो आंसर क्या होगा, स्पेन। कौन सा भारतीय राज्य ज्योति संजीवनी योजना लागू करता है, तो आंसर होगा कर्नाटक। कौन सा भारतीय राज्य ज्योति संजीवनी योजना लागू करता है, तो आंसर होगा कर्नाटक। खबरों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित है, ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है, तो आंसर क्या होगा, भूमि संसाधन लैंड रिसोर्सेज। खबरों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है, तो आंसर क्या होगा, लैंड रिसोर्सेज से, या हिंदी में बोलेंगे भूमि संसाधन से। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा को अपनाया है, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना ने। किस राज्य ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा IHF MS को अपनाया है, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय शहर ने क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी की और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया, तो आंसर क्या होगा, मुंबई। किस भारतीय शहर ने क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी की और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया, तो आंसर क्या होगा, मुंबई। हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से। हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर होगा युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से। नेक्स्ट आते हैं, सफ़ेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना में। सफ़ेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है, तो आंसर होगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स के दिशा निर्देश जारी किए, आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने। किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स के दिशा निर्देश जारी किए, तो आंसर क्या होगा, RBI ने। फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है, तो आंसर क्या होगा, MSME मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है, तो आंसर क्या होगा, MSME मंत्रालय। सिप्री के ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है, आंसर क्या होगा, भारत। हालांकि कुछ कमी आई है अब मेक इन इंडिया के बाद। सिप्री की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है, तो आंसर क्या होगा, भारत।
नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर क्या होगा, 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर क्या होगा, 15 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया? तो आंसर होगा, कौन सी कंपनी है, टोयोटा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया। तो लॉन्च किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। और उस इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल का नाम क्या है, टोयोटा मिराई। कंपनी कौन सी है, टोयोटा। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया था? तो आंसर क्या होगा, मेडागास्कर। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया था, मेडागास्कर। अच्छा एक चीज़ बताना है आपको, मैंने पिछले करंट अफेयर क्लास में बताया था मेडागास्कर में कौन सा तूफान आया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिसांग किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण अनुप्रयोग है? तो आंसर क्या होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाल ही में डे लाइट सेविंग टाइम को अस्थाई बनाते हुए सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है? तो आंसर क्या होगा, अमेरिका ने, यूएसए ने। किस देश ने हाल ही में डे लाइट सेविंग टाइम को अस्थाई बनाते हुए सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है? तो आंसर क्या होगा, यूएसए ने। नेक्स्ट आते हैं, यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो आंसर क्या होगा, 200 रुपये। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो आंसर क्या होगा, 200 रुपये। कौन सा संस्थान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है? तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सा संस्थान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करता है? तो आंसर होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा, नई दिल्ली में। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो आंसर क्या होगा, नई दिल्ली में। किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? तो आंसर क्या होगा, चीन ने। किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर डेवलप किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? तो आंसर क्या होगा, चीन ने। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में जैविक और 20 हथियार सम्मेलन की वकालत की? तो आंसर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट आते हैं, प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा, जयति घोष को। प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा, जयति घोष को। सीमित देयता भागीदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में संशोधन किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल से। नेक्स्ट आते हैं, रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या होगा, कतर के साथ। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या होगा, कतर के साथ। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण नीति शुरू की? तो आंसर होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण नीति शुरू की? तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। गोल्डन लंगूर एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो किस देश के मूल निवासी है? आंसर क्या होगा, भारत और भूटान। नेक्स्ट आते हैं,
सक्षम जो हाल ही में खबरों में रहा, किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती पोत है? तो आंसर क्या होगा? भारतीय तटरक्षक बल का। सक्षम जो हाल ही में खबरों में रहा, किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती पोत है? तो आंसर क्या होगा? भारतीय तटरक्षक बल का। नेक्स्ट आते हैं, हर साल विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोएट्री डे। तो आंसर क्या होगा? 21 मार्च को। हर साल विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम किस श्रेणी की योजना के अंतर्गत आता है? तो आंसर क्या होगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम किस श्रेणी की योजना के अंतर्गत आता है? तो आंसर क्या होगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना चाहता है? तो आंसर होगा छठा। कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना चाहता है? तो आंसर होगा छठा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार दिवस 2022 का विषय क्या है? जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2022 का थीम है जल जीवन हरियाली। बिहार ने 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीद दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। अब देखो, उद्घाटन किसने किया? तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है। विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं, स्टेप अप टू एंड टीवी विश्व टीवी दिवस शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। स्टेप अप टू एंड टीवी विश्व टीवी दिवस शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कोऑपरेशन का शुभारंभ किया? आंसर होगा भारत ने। किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कोऑपरेशन का शुभारंभ किया? तो भारत ने। सुजलम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या होगा? ग्रे वाटर मैनेजमेंट। सुजलम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट। किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर क्या होगा? DRDO ने। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? श्रीलंका है। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? श्रीलंका। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू करता है? तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू करता है? तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? मैथ के फील्ड में दिया जाता है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। एबल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को। भारत टीवी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीवी के मामलों में प्रतिशत वृद्धि क्या है? इंक्रीज ही हुआ है। आंसर क्या होगा? 19%। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, भारत ने कब तक टारगेट किया है कि टीवी को ख़त्म कर देगा? भारत भाग्य विधाता उत्सव का स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। भारत भाग्य विधाता उत्सव का स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, मारियो मार्सेल जिन्होंने वर्ष का गवर्नर पुरस्कार जीता किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे? आंसर क्या होगा? चिली। मारियो मार्सेल जिन्होंने वर्ष का गवर्नर पुरस्कार जीता
किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे? तो आंसर क्या होगा, चिली के। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या होगा, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना आपको, आप बस इतना याद कर लो, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्णन। और पूरा नाम क्या है, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो आंसर क्या होगा, विश्व बैंक ने। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरर डी टीबी लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा, हमारे देश भारत ने। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरर डी टीबी लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा, भारत ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? आंसर होगा 5 अक्टूबर को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? तो आंसर क्या होगा, 5 अक्टूबर को। हाल ही में किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया गया? तो आंसर क्या होगा, INS वलसुरा को। हाल ही में किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया गया? तो आंसर क्या होगा, INS वलसुरा को। UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो आंसर क्या होगा, मुरादाबाद को। UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो आंसर होगा, मुरादाबाद को। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव है? तो कौन से राज्य में है, तेलंगाना में। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव है? तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। और जो पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ था वो कब हुआ था, 2015 में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश में। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता? तो आंसर क्या होगा, कोडा, CODA। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता? तो आंसर होगा, कोडा ने। बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के क्षेत्रफल और उत्पादन के 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में कुल उत्पादन कितना था? आंसर क्या होगा, 334.60 मिलियन टन। बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के क्षेत्रफल और उत्पादन के 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में कुल उत्पादन कितना था? तो आंसर क्या होगा, 334.60 मिलियन टन। हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा, USA ने, अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडिया एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया? आंसर क्या होगा, FAO ने। नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया? तो आंसर क्या होगा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO ने। नेक्स्ट आते हैं, रूसी कुल्य समुद्र तट
जो लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। सिंपली आपको याद रखना है ऋषिकुल्य समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 2021 में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 2021 में। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान में। कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। और कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। नेक्स्ट आते हैं, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंग्लिश में बोलते हैं सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? तो उस पोर्टल का नाम है DBT भारत पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? तो आंसर होगा DBT भारत पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने भारत में स्वर्ण खनन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। किस संस्थान ने भारत में स्वर्ण खनन गोल्ड माइनिंग इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। किस बैंक ने हैदराबाद में एक नवाचार उष्मायन और त्वरण केंद्र इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय उद्यमिता संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? तो आंसर क्या होगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए किस संस्थान ने रूपरेखा तैयार की? तो आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने। भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए किस संस्थान ने रूपरेखा तैयार की जारी की? तो आंसर क्या होगा? RBI ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? विल्फ्रेड ब्रूस एट। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? विल्फ्रेड ब्रूस एट। नेक्स्ट आते हैं, 2022 सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश है? तो हमारा देश भारत। 2022 सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश है? भारत। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स में किस भारतीय व्यक्तित्व को फीचर किया गया है, चित्रित किया गया है? आंसर क्या होगा? दीपिका पादुकोण को। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स में किस भारतीय व्यक्तित्व को चित्रित या फीचर किया गया है? तो आंसर क्या होगा? दीपिका पादुकोण को। स्टील की कचरे से बनी सड़क पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? सूरत। स्टील के कचरे से बनी सड़क पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? सूरत। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, मनरेगा मजदूरी की दरें किस सूचकांक में परिवर्तन के अनुसार निर्धारित की जाती है? तो आंसर क्या होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर CPI AL। मनरेगा मजदूरी की दरें किस सूचकांक में परिवर्तन के अनुसार निर्धारित की जाती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आई क्यू पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं Pratik_IQ। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।